हैं इस वक्त, खासकर वादी कश्मीर के अंदर जहाँ पर टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला चल रहा है, जहाँ पर अननोन लोग जो हैं गैर रियासती, चाहे मजदूर हो, कोई मुलाजम हो या हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे समाज का हिस्सा है, उनको जो निशाना बनाया जा रहा है और कातिल इस वक्त तक सामने नहीं है, उस सिलसिला में हमने मीटिंग बुलाई थी और हमने तमाम वादी के अंदर जितने भी हमारे पंचायत के लीडरान हैं अपने अपने गाँव के अंदर, हमने उनको अपील की है, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि हर गाँव के अंदर जो भी गैर रियासती कारकुन कोई भी मजदूरी के लिए आया हुआ है, कोई भी काम कर रहा है, तो हमारी पंचायतें उनके तहफ़ का बंदोबस्त करेंगी। मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन, मुतलका इंतज़ामिया के साथ मिलकर हम ये यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर कश्मीर सोसाइटी या कश्मीर के लोग जो हैं रवायती भाईचारे के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। कश्मीरियत को जख्म पहुँचाने की एक साजिश है, कश्मीरियत को बदनाम करने की एक साजिश है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ भारत की मरकजी सरकार, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से हम अपील करते हैं कि इन कातलों को नंगा किया जाए और जिंदा पकड़ के आवाम के सामने किया जाए। जो लोग इस तरीके से टारगेट किलिंग कर रहे हैं और उनकी मकसद क्या है, उनका मंशा क्या है, जो हमारी समझ में आया है, हमारी समझ में ये आया है कि हमारी कश्मीरियत को जख्म पहुंचाने की एक कोशिश है, एक नाकाम कोशिश है और नापाक कोशिश है। हम तमाम कश्मीर वादी के आम सिविल सोसाइटी से भी हम अपील करते हैं, आम लोगों से भी अपील करते हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए और ऐसे अनासर को जो है पकड़ कर आवाम के सामने जो है नंगा किया जाए, ताकि सच का सच और दूध का दूध हो जाए कि ये नापाक लोग किस तरीके से कश्मीरियत को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम तमाम पूरे मुल्क के देशवासियों को यकीन दिलाना चाहते हैं, चाहे कश्मीर के अंदर टूरिस्ट है, चाहे कश्मीर के अंदर कोई कारकुन जो काम करने के लिए आए हुए हैं, हमारी तरफ से उनको पूरा तहफ़ है, हम उनको पूरा तहफ़ देंगे, वो हमारे भाई हैं। जिस तरीके से हमारे कश्मीर के लोग मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, इसी तरीके से अगर मुल्क के बाकी हिस्सों के लोग यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए, हम उनको वेलकम करते हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि बहसीत सिविल आदमी के हाथ में जितना एक होता है, हमारे हाथ में कोई हुकूमत है नहीं है, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। अलबत्ता जहां तक हमारे हाथ में जो चीज है, हम अपने घरों के अंदर अपने सीने के साथ उन लोगों को लगाएंगे। हमारी तरफ से कोई भी जो है गैर यकीनी सूरतेहाल उन लोगों के लिए अदम तहफ़ उनको हमसे नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता इसके साथ साथ हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत इन कातलों को नंगा करे जो हमारे रवायती भाईचारे को जख्म पहुंचाने के पीछे पड़े हुए। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि ये लड़ाई जो है, ये अटैक जो है, ये हम दोनों पर है, चाहे कश्मीरी मुसलमान है, चाहे कश्मीरी पंडित है, हम दोनों कम्युनिटीज को मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमको अलग अलग होकर हम इस लड़ाई के साथ नहीं लड़ सकते। इस वजह से मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज से भी हम अपील करते हैं, वो जहां जहां पर बैठे हुए अपने घरों के अंदर, वादी के अंदर ये इनका घर है, वो यहाँ से छोड़ के ना जाए, क्योंकि इसी तरीके से 1990 के अंदर जब लोग छोड़ के चले गए थे, उसके बाद आज तक हम जतन कर रहे हैं कि वो लोग वापस आए, तो वापस आने की सूरत नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि समाज को पारा पारा किया जाए, उन लोगों के अजायम जो हैं उनके मकासद पूरे होंगे अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ से निकल जाते हैं या दूसरे लोग जो काम करने के लिए आए हुए वो निकल जाते हैं। हम सबसे अपील करते हैं कि आप अपना काम कीजिए। कश्मीरी पंडित भाइयों से भी हम कहते हैं।